हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पीएफ का सारा पैसा कैसे निकाल सकते हैं इजीली अपने ही मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर बैठे। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को देर किए हुए शीघ्रता से स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको टाइप करना है EPFO। ठीक है, क्या टाइप करिएगा? तो EPFO। ठीक है, इसे टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पहले नंबर पे ही इसका ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, www.epfindia.gov.in। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका ऑफिशियल इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से होगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, KYC अपडेशन मेंबर। ठीक है, आपको KYC अपडेशन मेंबर के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाएगा UAN नंबर और पासवर्ड। तो सिंपली आपको अपना UAN नंबर और पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद कैप्चा को फिल करना है और फिर साइन इन का बटन है दोस्तों, साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उससे पहले दोस्तों आप यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और अपना फोन को आपको डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है ताकि आपका काम इजीली हो सके। तो देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है, इस वाले बॉक्स में मैं टिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पे दोस्तों मैं फटाफट जो है अपना UAN नंबर और पासवर्ड और साथ में इस कैप्चा को फिल करने के बाद साइन इन का बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप साइन इन करते हैं यहाँ पे एक अलर्ट का ऑप्शन आएगा, इस क्रॉस वाले निशान से आप अलर्ट को हटा दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विसेज। आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्लेम, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आपको क्लेम के ऊपर क्लिक करना है और फिर दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपका कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा, जैसे एम्प्लॉई नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और इसे वेरीफाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए अकाउंट नंबर मैं डाल लेता हूँ। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको वही अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है जो आपका यहाँ पे PF अकाउंट के साथ में लिंक है, PF अकाउंट के साथ में जिसे आपने KYC करके रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है। वेरीफाई का ऑप्शन है, मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आई हैव वेरीफाइड द डिस्प्यूट बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ माइन एंड अंडरस्टैंड दैट द क्लेम्ड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू दिस बैंक अकाउंट बाय EPFO। कह रहा है कि ये हमारा बैंक अकाउंट है और जो PF का पैसा है वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा, तो इसे आपको यस कर देना है। ठीक है, यस करने के बाद देखिए वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको नीचे आ जाना है, अब आगे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई होगा और फिर आपका कंप्लीट डिटेल इधर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और फिर आपको देखिए आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे वनली PF विथड्रॉल फॉर्म नंबर 19 सेलेक्ट आपको कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे देखिए जो है वो आपको यस कर देना है। देखिए कह रहा है एज योर सर्विस इज लेस देन 5 ईयर्स एंड योर पैन डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल अंडर यूनिफाइड पोर्टल, इनकम टैक्स एट द हाइएस्ट स्लैब ऑफ 34% इज लिएबल टू बी डिडक्टेड इफ योर सेटलमेंट अमाउंट क्रॉसेस 50,000। कह रहा है कि यदि आपका जो PF का पैसा है वो 50,000 से ऊपर है, ठीक है, और आपका पैन अकाउंट यहाँ पे पैन KYC नहीं होकर रखा है, तब ऐसी स्थिति में 34% आपका जो है वो कट जाएगा, ठीक है, TDS कट जाएगा। तो भाई यदि 50,000 से ऊपर आप निकाल रहे हो तो उससे पहले पैन KYC करवा लेना, ठीक है। हमारा तो खैर भाई कम पैसा है तो मैं यहाँ पे पैन KYC करने का मेरा खैर जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 50,000 से ज़्यादा है तो भाई पैन KYC करवा लेना, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे यस वाला जो बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ।
अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपका कंप्लीट डिटेल आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कब आपने ज्वाइनिंग किया था, कब आप काम छोड़े हैं, ठीक है, ये सारा डिटेल्स आ जाता है। उसके बाद देखिए अपलोड फॉर्म नंबर 15G, ये अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है, जैसे कि यहाँ पे विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, ये सब सारा डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ से आप अपना राज्य को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना शहर का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको 6 डिजिट का अपना पिन कोड डाल देना है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए कह रहा है अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक, तो भाई यहाँ पे अपना चेकबुक या फिर पासबुक जो है वो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। और ये आपका 100 KB से लेकर के 500 KB के बीच में होना चाहिए। JPG और JPEG फॉर्मेट में से ये चल सकता है, और जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर IFC साफ साफ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आप जो है वो देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, इस वाले बॉक्स में टिक कर दें और यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबमिट का बटन आपको नीचे नजर आ जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे वैसे, और फिर सबमिट आपको कर देना है। तो चलिए मैं सारा डिटेल फिल करके यहाँ पे साथ में जो अपना हमारा पासबुक है उसे अपलोड मैं कर देता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो भर लिया है पूरा का पूरा, साथ में मैंने यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो फाइल है पासबुक का उसे भी अपलोड कर दिया है। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके अपना पासबुक को देख भी सकते हैं। तो भाई हमारा पासबुक एकदम सही है, तो मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो है वो मैंने टिक भी कर दिया है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का आप देखिए गेट आधार OTP है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपके आधार कार्ड के साथ में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसमें एक OTP जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका आधार मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फाइनली हमारा OTP आ चुका है, तो मैं इस OTP को यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे OTP इंटर कर दिया है। अब आगे देखिए वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, अब यहाँ पे ये क्लेम हो रहा है और सबमिट हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, देखिए हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो ये भी हाँ देखिए दोस्तों फाइनली हमारा जो है वो क्लेम हो चुका है, और देखिए लिख रहा है OTP हैज बीन वेरीफाइड, EKYC अपडेटेड एंड PF फाइनल विदड्रॉवल के क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू PDF। तो भाई यहाँ से PDF को भी आप डाउनलोड कर लेना है जो आपने क्लेम किया उसका, ठीक है। तो देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करके अपना मैं PDF डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा PDF जो है वो ओपन हो रहा है। देखिए कह रहा है दिस कंटेंट इज ब्लॉक, कॉन्टेक्ट द साइट ऑनर टू फिक्स द इशू। तो मैं इसे फिर से एक बार क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों अभी PDF ओपन होने में कोई दिक्कत आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे अपना स्टेटस को चेक करना है। देखिए ट्रैक क्लेम स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और फिर आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग ID यहाँ पे दिया गया है, फॉर्म टाइप दिया गया है, सबमिटेड कब हुआ है, और साथ में क्लेम स्टेटस देखिए ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, यहाँ से भी आप अपना PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो है वो क्लेम हो चुका है, और पैसा कब तक आता है ये तो मैं अभी मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लेम किया हुआ है और खुद मैंने यहाँ पे अपना ही पैसा जो है दोस्तों निकालने का प्रयास किया है, तो हमें तो खैर नहीं मालूम कि एग्जैक्टली कितने दिनों के भीतर आएगा, लेकिन जैसे ही दोस्तों पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। हालांकि दोस्तों इस तरह से आप इजिली क्लेम कर सकते हैं, अपना PF का पैसा को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।